वेलकम टू माय चैनल लर्न पर क्लिक। लर्न पर क्लिक चैनल में आपका स्वागत है। मैं शैलेश कुमार आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं एक्सेल में डाटा एंट्री। तो ये एक्सेल में सिर्फ डाटा एंट्री नहीं है, एक्सेल में एडवांस डाटा एंट्री है। तो एडवांस डाटा एंट्री का मतलब हो गया कि आपका जो डेटा है वो तो इंटर होगा ही होगा, साथ में उसके साथ कुछ कैलकुलेशन भी होगा, अगर जोड़ घटाओ गुणा भाग जैसा कुछ कैलकुलेशन भी होगा। कैलकुलेट करने के बाद आपको एक रिजल्ट मिलेगा और उस रिजल्ट के साथ हम किस तरह से डेटा एंट्री कर सकते हैं एक्सेल में, इस सेगमेंट में हम उसी पर दोस्तों हम बात करेंगे। एडवांस डेटा एंट्री, हमने सिंपल डेटा एंट्री बता चुका हूं, अब ये एडवांस है। तो यहां पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ गुड्स है, टोटल परचेज है, टोटल सेल है, स्टॉक इन हैंड है, रेट है और टोटल अमाउंट है। तो यहां पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ गुड्स वाले बॉक्स में गुड्स का नाम आना चाहिए, टोटल वाले में टोटल हो जाना चाहिए, टोटल कितना हमने परचेज किया है उसको डालना है, जैसे हमने ये परचेज किया, और ये टोटल सेल हमने कितना सेल किया, और स्टॉक इन हैंड में कितना बचा। दैट मीन्स स्टॉक इन हैंड में यहाँ पे फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए टोटल परचेज जितना भी हम करते हैं उसमें टोटल सेल को माइनस कर देने के बाद निकल जाता है स्टॉक इन हैंड, हमारे स्टॉक में कितना गुड्स है। इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू सम सेल एड्रेस, और यहाँ पे टोटल परचेज वाले सेल को सेलेक्ट किए और यहाँ पे माइनस लगाए, और फिर टोटल सेल वाले सेल को हमने सेलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अभी आप यहाँ देख सकते हैं जीरो आ गया। अब है रेट, अब कितना रेट होगा और उसके हिसाब से अमाउंट कैलकुलेट होना चाहिए। तो रेट जब मैं डेटा एंट्री करूँगा तो उस समय रेट डालूंगा, और यहाँ टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है तो टोटल अमाउंट के लिए भी एक फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, इक्वल टू सम लगाना पड़ेगा, और ये जो स्टॉक इन हैंड में गुड्स है वो और रेट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टॉक इन हैंड स्टार और ये रेट, और ये ब्रैकेट को हम क्लोज किए और इंटर बटन को प्रेस किए। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारा जीरो आ गया। तो ये हमारा एक फॉर्मेट तैयार है। अब इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, फॉर्म को लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे सारे के सारे फील्ड्स नेम को सेलेक्ट कर लिए और फॉर्म को क्लिक करते हैं। फॉर्म को क्लिक जैसे आप करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ गुड्स है, टोटल परचेज, टोटल सेल्स, स्टॉक इन हैंड में जीरो दिख रहा है, रेट भी हमारा खाली है और टोटल अमाउंट भी जीरो दिख रहा है। चलिए यहाँ पे हम एंटर करते हैं। हम यहाँ पे एंटर करते हैं डीवीडी एंटर किए, टोटल परचेज मान लेते हैं 50 पीस, टोटल सेल किए हमने 32 पीस और इसका रेट था 12 रुपया, इतना हमने डाला और न्यू को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सीट में डीवीडी टोटल 50 32 सेल हुआ, 18 बच गया, 12 रुपया का रेट था और 216 रुपया ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। अब चाहे तो एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट का साइज है उस साइज को थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, चूंकि बहुत छोटा छोटा दिख रहा था ये बड़ा हो गया। और अगर इसको चाहे तो ये जो है हमारा इस सारे के सारे फील्ड को अलाइनमेंट हम सेट कर लेते हैं, और अलाइनमेंट कर लेते हैं सेंटर और मिडिल, तो ये भी हमारा हो गया मिडिल। अब फिर से एंट्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस फॉर्म को क्लिक करना है, फॉर्म हमारे पास अवेलेबल हो गया। अब यहाँ से हम एंट्री करते जाएंगे। सपोज कीजिए कि अब फिर से हम यहाँ पे न्यू अगर करते हैं तो न्यू हो गया। अब यहाँ पे नया रिकॉर्ड डालते हैं, इस बार हमने डीवीडी डाला था। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा माउस का एंट्री करना है, माउस टोटल परचेज है हमारा माउस 60 पीस और टोटल सेल हुआ है हमारा 33 पीस, और यहाँ पे रेट है माउस का 154 रुपया, और न्यू को क्लिक किए। जैसे हम न्यू को यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं खुद ब खुद हमारा स्टॉक इन हैंड कैलकुलेट हो जा रहा है और हमारा टोटल अमाउंट भी कैलकुलेट हो जा रहा है। तो इस तरह से जितना भी गुड्स को हम डालना चाहें डाल सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमने यहाँ पे कीबोर्ड डाला, कीबोर्ड इसको परचेज हमने किया था 30 पीस और टोटल सेल हमने किया था 22 पीस, और अब इसका जो रेट है वो 240 रुपया का रेट है। ये हमने रेट टाइप किया और न्यू को क्लिक करते हैं। जैसे भी न्यू को क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा का सारा डेटा हमारा एक एक करके ऐड हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग एडवांस डेटा एंट्री भी कर सकते हैं, इसमें डेटा एंट्री भी हो गया
और साथ में फंक्शन का भी उपयोग किए थे और उसका वैल्यू भी कैलकुलेट हो गया। ये आपके लिए एक्सेल में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, और अगले वीडियो में अगले किसी एडवांस विषय के साथ मैं मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।